अगस्त को यहाँ पर बादल फटा था, रात के करीब 12 बजे यहाँ पर बादल फटा था और कई लोग यहाँ से अब पलायन कर चुके हैं क्योंकि उनके घर बाढ़ के पानी में पूरे बह गए थे। कई लोगों के शव यहाँ पर दबे हुए हैं। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें मलबा पूरा घुस गया है। कमरे के अंदर जो भी रहा होगा उसकी स्थिति क्या होगी आप अपने खुद से अंदाजा लगा। पत्थर कमरे के अंदर है, घर के उसको पूरा तबाह कर दिया गया है। पीछे से ये घर, जिसे घर के जस्ट पीछे से एक बहुत बड़ा पहाड़ था वो पहाड़ दरका और ये पूरा मलबा इस घर के अंदर आ गया। अब आपको दिखाऊंगी ये सतह, देखिए आप पूरा टूट चुका है सतह। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए वो बाइक यहाँ पर लोगों की स्थिति क्या रही होगी कि अपनी गाड़ी तक यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं और उसकी हालत हो चुकी है गाड़ी में। और आप सरखेत गांव में 19 और 20 अगस्त रात को आई आपदा के बाद मलबे के पहाड़ में दबे शवों को NDRF की टीम खोजने में जुटी हुई है। लापता लोगों की तलाश में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान NDRF अब तक 3 शव बरामद कर चुकी है। सरखेत में 5 लोगों के लापता होने की जानकारी थी, इसमें 3 के शव बरामद हो चुके हैं जबकि अभी भी 2 लोग लापता हैं। बीते 20 अगस्त को तड़के तकरीबन 3 बजे देहरादून जिले की खैरी मानसिंह इलाके में आने वाले सरखेत गांव में आसमान से बरसती तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर एक फलता फूलता गांव था, वहां पर अब 70 मीटर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया है। सरखेत क्षेत्र में आई इस आपदा ने तकरीबन 25 परिवारों के घर जमींदोज कर दिए हैं। आलम यह है कि यहां अच्छे खासे मकान हुआ करते थे, वहां मलबा का ढेर जमा हो गया है। इसी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आपका नाम? तो कब ये आपदा आई थी? ये आई थी 19 तारीख रात को। अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है? क्या कोई पता ही नहीं, कितने बह गए, कितने रह गए पता ही नहीं। और सरकार की तरफ से कोई मंत्री यहाँ पर आया जा रहा है? क्या कुछ कहा उन लोगों ने, किस तरह की मदद की अभी तक? हमारी तो पता नहीं क्या कहा। आपको कुछ मदद मिली? अगर कुछ मैं होता और ऊपर रहते हैं हमारे यहाँ तो भीता था, लेकिन तबाही है। तो कितने लोग यहाँ से कई लोगों को कहने के यहाँ पर शव मिले मुझे पता नहीं। ये बाढ़ कब आई? 19 तारीख रात को 1 बजे, 12 और 1 बजे के बीच में हुआ ये दवा। अच्छा, बादल फटा था? जी बादल। तो कितना नुकसान रखते थे? नुकसान तो यहाँ 5 हो चुकी है और मकान सारी ध्वस्त हो चुके हैं, खाना पीना सारा खत्म है, सब मवेशी यहाँ पर 5-6 मवेशी यहाँ ख़त्म है। सरकार की तरफ से क्या कोई मंत्री आए हैं यहाँ पर? मंत्री तो आए हैं यहाँ पर, गणेश जोशी जी आए हैं और सारे आए इस जगह पर, सभी लोग आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, किस तरह से मदद करेंगे? मदद तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर मशीन लगा रखी टीम है जो वो निकाल दिए हैं, सब निकाल दिए। मशीन लगाने से कोई मदद भी होती है? मैं कह रही थी जो परिवार है उनके खाने पीने का इंतजाम, किस तरह का इंतजाम किया? 3 आदमी का हॉस्पिटल ले गए थे यहाँ से और बाकी मालदेवता में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर भी खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तो लोग भी आ जा रहे हैं यहाँ पर। सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे पलायन किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं, तो कितने लोग अभी तक यहाँ पर? यहाँ से तो यहाँ फिलहाल तो अभी कोई नहीं निकला, उनका परिवार है ये मालदेवता में शिफ्ट कर रखे, स्कूल में कर रखे, घर में कर रखे, किसी का मालूम नहीं, हमें जबरदस्ती नहीं है, हमारे चाहे सारे रस्ते बंद हो रखे हैं, यहाँ से अभी यहीं तक पहुंच रहे हैं। तो आप खाने पीने का सामान कैसे लेने जा रहे हैं? खाने पीने का आप आपस में गांव में कर रहे हैं, किसी के पास ज़्यादा है बचा हुआ सामान तो आपस में। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला हमें अभी तक, तो ना हमारे इधर कोई आया गाँव में, यहाँ पर वो आ रहे हैं, इस जगह आ रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, DM आ रहा है, SDM आ रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की इस जगह यहाँ तक व्यवस्था हो रही है इनकी, लेकिन ऊपर गाँव के लिए कुछ नहीं। तरह की मदद करी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं SDRF की टीम लगातार काम कर रही है, रेस्क्यू अभियान चला रही है, कई शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन जो पलायन का मुद्दा है वो उत्तराखंड में जस का तस बना हुआ है। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को जो मदद है वो मुहैया कराई है, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है उन्हें सरकार ने मदद भी दी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने मदद नहीं दी हो, लेकिन
बात करें उनकी, जिनकी दुकानें चले गई हैं, जिनके घर चले गए हैं, कई लोग ऐसे बचे हुए हैं अभी भी जिनका अभी तक मदद अभी सरकार ने नहीं किया है। कहते हैं कि कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो तबाही मचाई देती है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये पुल यहाँ के लोगों के लिए एक सहारा था अपने यहाँ इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, लेकिन ये सहारा भी अब बह गया है। ग्राउंड जीरो से मैं सोनिया, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।